आज की वीडियो से हम बिरयानी सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। ये सीरीज आम सीरीज नहीं है, इस वीडियो से पूरे कराची में जाएंगे जहाँ की बिरयानी आपको पसंद है, हम वहाँ पहुँचेंगे। चिकन में हो या बीफ में हो, हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, जो अच्छी बिरयानी मिलेगी हम उसको खाएंगे। सीरीज का पहला एपिसोड शुरू करते हैं। बन के जियो, खाओ पियो मजे करो। चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज। बन के जियो, खाओ पियो मजे करो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं हूँ दिशान और आपको मेरे इस चैनल पे एक बार फिर खुश आमदीद। तो भाई मंड के जियो, खाओ पियो मज़े करो। आज की वीडियो से हम बिरयानी सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ आम सीरीज़ नहीं है, बल्कि हम इस वीडियो से पूरे कराची में जाएंगे, एरिया वाइज जाएंगे और बेहतरीन बिरयानी के स्पॉट्स को कवर करेंगे। अगर आप कराची में कहीं से भी देख रहे हैं तो अपने एरिया के ज़बरदस्त और जहाँ पे जहाँ की बिरयानी आपको पसंद है तो वो ज़रूर कमेंट में बताएं, नाम के साथ एड्रेस के साथ हम वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन इस सीरीज़ का हमने आगाज़ करने का जो सोचा वो कराची का एक ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत ही अंडररेटेड है, औरंगी टाउन। आज मैं औरंगी टाउन अकबर शहीद चौक पे मौजूद हूँ, 14 नंबर का इलाका है। यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ का मशहूर बिरयानी का स्पॉट कौन सा है और देखते हैं कि औरंगी टाउन में कौन कौन सी अच्छी बिरयानियाँ मौजूद हैं, चिकन में हो या बीफ में हो, हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, जो अच्छी बिरयानी मिलेगी हम उसको खाएंगे, ट्राई करेंगे और एक्सप्लोर करके आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को और इस सीरीज़ का पहला एपिसोड शुरू करते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए बेल आइकन दबा दें। तो शुरू करते हैं। कुछ लोगों से पूछते हैं यहाँ पे बिरयानी का स्पॉट कहाँ अच्छा है, कौन सा अच्छा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे बिरयानी कौन सी मशहूर और अच्छी है? बाशानी की बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है यार, ये बताएं कि ये कौन सा एरिया है वैसे? भाई अकबर शहीद चौक 14 नंबर औरंगी टाउन का। यहाँ पे बताएं 14 नंबर में कौन सा बेहतरीन बिरयानी का स्पॉट है जहाँ पे बिरयानी हम लोगों को अच्छी बिरयानी दिखा सकते? भाई यहाँ तो होटलें तो बहुत हैं, बिरयानी तो बहुत इधर, वैसे भी औरंगी के अंदर सबसे ज़्यादा बिरयानी मशहूर है। सही है, शहर के अलावा। सही है, ठीक है ना। तो अभी जो मशहूर जो बिरयानी है वो ऐनुल पकवान है जो बंगला बाजार के अंदर है। पकवान पुराना है क्या? बहुत पुराना है वो भी। अच्छा, तो उसकी कौन सी बिरयानी अच्छी है? बे बिरयानी बचिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, क्या नाम है आपका? एहसान अली। एहसान भाई ये बताएं 14 नंबर में सबसे बेहतरीन बिरयानी कौन सी है जो नाजरीन को हम बता सकें? यार अभी तो फिलहाल सखी कलंदर ही चल रही है। सखी कलंदर किस लिहाज से बता रहे हैं? क्वान्टिटी के हिसाब से भी, जायके के हिसाब से भी और रेट के लिहाज से भी। और कौन सी बिरयानी आपको अच्छी लगती है? बीफ चिकन दोनों बेहतरीन बेहतरीन है। क्या नाम बताया आपने? सखी कलंदर। सखी कलंदर भाई, सखी कलंदर भी चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका ये बताएं? मेरा नाम वाजिद है, वाजिद खान कहते हैं। वाजिद भाई, वाजिद भाई इस एरिया में हम आए हैं, हमें आइडिया नहीं है। जी जी। 14 नंबर में औरंगी टाउन में बेहतरीन कौन सी बिरयानी है, या पूरे औरंगी टाउन में अगर आपको बेहतरीन बिरयानी बतानी हो तो कौन सी बताएंगे? देखिए पूरे औरंगी टाउन तो खैर मैं इतना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने चौदह नंबर में जो है ना, दो तीन बिरयानी मशहूर है। बताएं बताएं। माशाल्लाह से हम लोगों ने खाया भी है। अवेश की बिरयानी है, बाशानी स्वीट वाले का है, बाशानी बेकरी यानी बाशानी पकवान है। सही है, ठीक है। और ये ए आर हमजा है सामने गली में हमारे, ए आर हमजा ये तीन बिरयानी बहुत मशहूर। ए आर हमजा, बाशानी और पहला कौन सा? गुलशन बिहार में कुद्दूस है। कुद्दूस है, इधर अल खुर्शीद यूनाइटेड भी है। इतनी सारी बिरयानियाँ हैं, दो चीज इस एरिया में करीब में बताएं। पहला नाम आपने कौन सा लिया था? जैसे कि अवेश है, बाशानी है। अवेश कहाँ पे? 14C सेक्टर 14C। अच्छा यही करीब में ही है। सही है। और बाशानी कैसी है? बाशानी माशाल्लाह बहुत क्वालिटी भी है इनकी। बीफ चिकन दोनों होता है इनके पास, और बीफ भी बहुत ज़बरदस्त होता है, क्वालिटी इनकी अच्छी है। और सबसे बड़ी बाशानी तो यही सामने, तरीकेकार भी अच्छा है, तरीकेकार। अब तक ये बॉक्स पैकिंग में दे रहे हैं और हमारे औरंगी में बहुत कम यानी पकवान वाले बॉक्स पैकिंग में दे रहे हैं। साफ़ सुथरा, साफ़ सुथरा बॉक्स पैकिंग, प्रिंटेड थैली है इनकी। और समझिए कि आप किसी गेस्ट के लिए ले जाएंगे तो वो अच्छा तारीफ ही करेगा, प्रेजेंटेशन मतलब अच्छी होगी। चले बहुत शुक्रिया। मजीद भाई नाम बताएं? वाजिद नाम है। वाजिद भाई बहुत शुक्रिया, वाजिद भाई थैंक यू। तो यार ये करीब में ही बाशानी स्वीट्स है जहाँ पे बिरयानी मिल रही है, हम उसकी ट्राई करेंगे। यहाँ पे बाशानी की पहले बिरयानी, फिर हम जाएंगे जो भाइयों ने बताया, ओवेज बताया है यहाँ पे, ए आर हमजा बताया है, और भी सखी शहबाज बताया है,
सकी कलंदर की बिरयानी है। तो ये सारी टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी बिरयानी औरंगी टाउन में अच्छी है। भाई क्या हाल चाल है? खैर है, दुआएं आपकी। आप सुनाए आपका वाजिद भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बीफ बिरयानी है, चिकन बिरयानी है। बीफ बिरयानी, चिकन बिरयानी जी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है यार, माशाल्लाह। कौन सा चावल इस्तेमाल हो रहा है? बासमती। बासमती है जी। और गोश्त? गोश्त बच्चा है। कितने का बॉक्स है ये? ये बॉक्स 270 रुपए का है। और चिकन बिरयानी क्या हिसाब है? सेम है दोनों। ये पार्सल जा रहे हैं जी? अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है। बॉक्स तैयार करके दिखाएं भाई, इधर करीब करके। काउंटर पे जो है बीफ बिरयानी और चिकन बिरयानी दोनों लगी है। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं, खैरियत है। ये भाई ताज़ी देग आई है, ताज़ी देग भी दिखाएं करीब से। कितने की चला रहे हैं ये बिरयानी आप लोग? 270 रुपए की। अलग 70 रुपए की। तो चावल कौन सा डाल रहे हैं और बोटी का कौन सा पीस होता है? मतलब बासमती चावल होता है, सही है। बोटी लेग भी होता है, चेस भी होता है, सही है। जो आप काम करें, काम करें भले। ना काम रुकेगा तो कस्टमर जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, ऐसे ही है भाई जी। कस्टमर नाराज़ ना हो जाए। क्या नाम बताया था आपने अपना? काशिफ। काशिफ भाई, काशिफ भाई खुशबू तो बड़ी उम्दा आ रही है माशाल्लाह। ये बासमती की बात है जी? बासमती की बात है। गोल्डन पीस होता है इसमें? हाँ। अच्छा माशाल्लाह। और 220 का बताया आपने? हाँ 270। 270। अच्छा, ये मतलब बछिया लो या चिकन लो 270 का ही है? एक ही। दोनों भाई, दोनों बिरयानी, कोई सी भी बिरयानी लें 270 रुपए का यहाँ पे आपको बॉक्स मिलेगा और प्लेट मिलेगी। तो देखते हैं, अब मंगवाते हैं बिरयानी और टेस्ट करके भी आपको बताते हैं। तो भाई भशानी की बिरयानी हमने मंगवा ली है और यहाँ पे आ गई है चिकन बिरयानी भी, ज़रा करीब से दिखा दें। ये है चिकन बिरयानी इनकी 270 की, और ये है इनकी बछिया बीफ बिरयानी है 270 की, जिसमें मेरा ख्याल है चार बोटियाँ आई हैं। और चिकन में जो है भाई, साइज़ मैं दिखा दूँ आपको, ये साइज़ इन्होंने दिया है बोटी का। अब टेस्ट करेंगे हम, सबसे पहले बीफ बिरयानी टेस्ट करेंगे और बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। अच्छा, स्पाइसेस वगैरह मेरा ख्याल है नॉर्मल इन्होंने रखा है, ज़्यादा दिखने से स्पाइसेस नहीं लग रहे हैं। लेकिन हम बाइट बनाते हैं अच्छी सी, टमाटर भी लेते हैं और बोटी मैं आपको दिखा दूँ करीब से। ये देखिएगा भाई, ये है बोटी, ठीक है। इंतहाई टेंडर है और गली भी है, ये नहीं कि आपको मुश्किल हो रही है तोड़ने में, ठीक है। ये बीफ बिरयानी, और लेते हैं अल्लाह का नाम और बिस्मिल्लाह करके टेस्ट करके आपको बता। हाँ, अच्छा, स्पाइसेस वगैरह ओवरऑल जो है माइल्ड है, बैलेंस स्पाइसेस हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिर्च महसूस नहीं हो रहा। बोटी जो है क्या ही टेंडर है। अच्छा, थोड़ा सा रवाज वाली बोटी भी इन्होंने दी है। दूसरी, इसमें जो एक अरोमा आया है ना जब आप खा रहे हैं, तो वो चादी की बिरयानी वाली नहीं होती, वो थोड़ा सा आया। लेकिन नॉट बैड, अच्छा जाएगा है। अब एंड में जो है रेटिंग देते हैं कि यहाँ की बिरयानी बीफ और चिकन कैसी है। अब चिकन भी ट्राई करते हैं और इसकी बोटी को भी तोड़ते हैं और दिखाते हैं आपको। ये इन्होंने बोटी दी है, एक निवाला बना लेते हैं। हाँ हाँ, ये निवाला आ गया भाई, तो बन गया है निवाला, एक ज़बरदस्त सा चिकन बिरयानी का। अब ये करते हैं टेस्ट। बासमती चावल की अच्छी बात यह है कि आपको ना च्यू करने में, चबाने में मसला हो रहा है, ना आपको ज़बान पे जो है वो भारीपन और कड़कपन महसूस हो रहा है। लेकिन बिरयानी थोड़ी सी ड्राई है, ओवरऑल स्पाइसेस अच्छी है, अच्छा है, एवरेज है, बैलेंस है, बोटी बड़ी टेंडर है और रेट के लिहाज से अच्छी बिरयानी, ज़बरदस्त सी बिरयानी भाशानी पे मौजूद है। अब इनकी होम डिलीवरी वगैरह भी मौजूद है, आप औरंगी में चाहें तो इनसे
घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। बाकी इनका बहुत बड़ा सेटअप है, बारबेक्यू का भी है, कचौरी का है और बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन हम तो यहाँ पे बिरयानी सीरीज़ कर रहे हैं तो बिरयानी ट्राई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह औरंगी की नई बिरयानी एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि वहाँ की बिरयानी कैसी है और क्या बता रही है। ठीक है, मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।